मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे योर टॉपिक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अ डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट से 100 एवरी मंथ फॉर अ फिक्स पीरियड। ओके, द अमाउंट टुगेदर विद इंटरेस्ट इज रिपेड ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, इस अकाउंट में होता क्या है कि जो भी डिपॉजिटर है वो एवरी मंथ, ठीक है, अगर हर मंथ मान लीजिए सपोज़ कर लिए 100 रुपीज़ जमा कर रहा है, 500 रुपीज़ जमा कर रहा है, मतलब उसका एक फिक्स्ड अमाउंट है, ठीक है, और फिक्स्ड पीरियड के लिए वो डिपॉजिट कर रहा है अमाउंट। ठीक है, तो उस तरीके के जो अकाउंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो सेविंग अकाउंट से हाई होता है। ठीक है, और इसका जो इंटरेस्ट मिलता है वो मैच्योरिटी डेट के साथ मिलता है। ठीक है, जब मैच्योरिटी टाइम आएगा तब उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट विथ टोटल अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप की अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकरिंग अकाउंट बोलते हैं। नेक्स्ट है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अ फिक्स्ड डिपॉजिट इज रीपेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। द पीरियड मे वेरी फ्रॉम 6 मंथ टू 5 ईयर। लॉन्गर द पीरियड ऑफ डिपॉजिट हायर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं FD। ठीक है, इसका जो मिनिमम टाइम होता है वो 6 मंथ टू 5 ईयर। ठीक है, और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो सेविंग अकाउंट एंड रिकरिंग अकाउंट से हाई होता है, मतलब सबसे हाई अगर हम माने तो FD का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हाई, सबसे हाई होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। मल्टीपल ऑप्शन जैसे नाम से ही जाना जा रहा है कि मल्टी का मतलब होता है बहुत, मतलब जिस अकाउंट में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा। ठीक है, तो दिस अकाउंट ऑफर मल्टीपल ऑप्शन टू डिपॉजिटर। दिस अकाउंट कैन बी कम्बिनेशन विद सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये जो है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट है, इसमें सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट दोनों मिक्सअप होते हैं इसमें। ठीक है, और जो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है FD वाला। ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट होता है। तो इस टाइप के अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ एडवांस। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है ओवरड्राफ्ट, फिर है कैश क्रेडिट, उसके बाद लोन है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एंड मीडियम। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ये ओवरड्राफ्ट मैंने पहले ही बताया था, इसके पहले टॉपिक आई थी। ठीक है, तो ये जो ओवरड्राफ्ट होता है वो हर अकाउंट के कस्टमर को नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो सेविंग वाला कस्टमर है उसको भी मिल जाए ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, जो रिकरिंग वाला है उसको भी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ करंट अकाउंट के होल्डर को क्या होता है, फैसिलिटी इसकी दी जाती है। ठीक है, तो अंडर दिस अरेंजमेंट अ कस्टमर हैविंग करंट अकाउंट इज़ अलाउड टू विदड्रॉ मोर देन द बैलेंस इन इस अकाउंट। ठीक है, मतलब कि अगर आपका जो एक्चुअल बैलेंस है अकाउंट में, ठीक है, उससे ज़्यादा अगर आपको पेमेंट करना है पार्टी को तो आप कर सकते हो, लेकिन आप होल्डरिंग होना चाहिए करंट अकाउंट में। ठीक है, आपका जो अकाउंट होना चाहिए वो करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट जो है ओपन करवाता है वो बिजनेसमैन, ठीक है, ओपन करवाता है, इसलिए बिजनेसमैन को इस सारी फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, और उससे क्या करता है, जितना भी ओवरड्राफ्ट होता है उसका ये बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। ठीक है, क्योंकि फैसिलिटी दे रहा है। उसके बाद है कैश क्रेडिट, उसके बाद है शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म लोन वगैरह। ठीक है,